साथियों नमस्कार, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं आज आपको कैप्चर स्क्रीनशॉट सॉफ्टवेयर के विषय में बताना चाहूँगा। ये स्क्रीन शॉट क्या होता है ये बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं ये बताना चाहता हूँ। एक इसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, कैप्चर स्क्रीनशॉट सॉफ्टवेयर, वो आपको ये फ्री मिलता है, आपको डाउनलोड भर करना है। ओके, तब आप किसी भी स्क्रीन का जेपीईजी बना सकोगे और बड़े आसानी से अपने अन्य कामों में यूज़ कर सकोगे। आपको गूगल में जाके लिखना है इस तरह, कैप्चर स्क्रीनशॉट लाइट सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड। जैसे ही आप लिखोगे, सर्च मारोगे, इस तरीके का ये नीचे आएगा कैप्चर स्क्रीन लाइट। यहाँ से आपको जैसे क्लिक करोगे तो c.net डाउनलोड में लेके जाएगा। जब वहाँ क्लिक करोगे तो आप इस तरीके का खुलेगा सीन होगा। आपको यहाँ से कैप्चर स्क्रीन लाइट आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड होने के बाद एक जिप फाइल आपको डाउनलोड होगी। ये जरूरी होगा कि आपके कंप्यूटर में जिप हो, जिससे कि आसानी से जिप खुल जाए। जिप खोल के आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से एक सिंबल आपको दिखेगा, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो गया कैप्चर स्क्रीन लाइट। यहाँ से मैंने देखिए इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट को जहाँ तक लेना ले लिया। ठीक है, सॉरी कैंसिल करता हूँ एक बार, कुछ एरर है। ये मैंने ले लिया और ये हमारा इस तरीके से खुल गया। ठीक है, अब देखिए ये मेरा आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सेव होता है ऑप्शन। जैसे ये इसको मैंने सेव भी कर दिया, ये मेरे को प्रॉपर जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ जाके सेव हो गया, जेपीईजी फाइल में सेव हो गया। यहाँ से आप एचटीएमएल खुलेगा आपको, डायरेक्ट आपका यहाँ से मेल भी कर सकते हो इस जेपीजी फाइल को। इस तरीके से एचटीएमएल यहाँ से कैप्चर होगा और वहाँ से आप यहाँ पे अपना आईडी डाल के, ईमेल आईडी डाल के, और देखिए फाइल का साइज 196 KB की है, स्क्रीनशॉट जेपीजी बन गया। ओके, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, अदर किसी भी फाइल में जाके इसको फिर से यही चीज़ को जाके कॉपी भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ से ये एक पेन टूल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे आपको कोई इंडिकेट करना है, कोई आपको प्रोग्राम बनाना है, कोई यहाँ पे एरो देना है, तो इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको मार्कर भी दिया है, जैसे इसको हाईलाइट करना है, जैसे इसको आपको पीला करना है भाग को, वो भी हो सकता है। यहाँ इरेजर भी दिया है, जैसे आपने इसको लाल किया है, ये पर्टिकुलर जगह को मिटाना है, तो यहाँ से पूरा का पूरा इरेज हो गया, देखिए है ना, इस तरीके से ये रीडू हो जाता है, अंडू हो जाता है। छोटा सा सॉफ्टवेयर, बड़ा आसान है, आप मल्टीपर्पज़ यूज़ है, आप इसका कुछ भी उपयोग कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आपसे कोई भी वीडियो भी, जैसे आपका कोई गूगल चल रहा है, देखिए मेरा यूट्यूब खुला है, मैं यहाँ से इसका कैप्चर करना चाहता हूँ, तो इतना भाग को मैंने कैप्चर कर लिया और मेरा आ गया ये देखिए इतना भाग आ गया मेरा, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको सेव कर लिया। साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, जिससे कि मैं आगे और वीडियो आपकी प्रेरणा से बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, हरे कृष्णा।